तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो आज मैं बाइबल कॉलेज जो हमारा है, हमारा BTH का आज फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है। उस ओरिएंटेशन क्लास में बेसिकली आज क्लास तो नहीं होगा, लेकिन इस ओरिएंटेशन क्लास में क्या होता है कि बस नॉर्मली हम कौन कहाँ से आए हैं थोड़ा जान पहचान करेंगे, और क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो थोड़ा बात शेयर करेंगे, मतलब हमें बताया जाएगा। तो आज मैं एडमिशन करने जा रहा हूँ। वैसे मेरे पास एडमिशन के लिए पैसा नहीं है, तो मैंने सर से बात कर लिया है। 5,000 एडमिशन फीस है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने सर से कहा है कि सर मैं मंथली आपको 1,000-2,000 क्या मतलब जितना भी होगा मेरे पास ऐसा करके एडमिशन फीस दूंगा बाइबल कॉलेज के लिए। तो सर ने कहा है ठीक है। जो मैंने कोर्स किया था वो था BTCP, डिप्लोमा था वो BTCP, लेकिन अब की बार जो मैं कर रहा हूँ वो पास्टर ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूँ, BTH मतलब बैचलर्स ऑफ थियोलॉजी कर रहा हूँ अब की बार जो कर रहा हूँ। मानसी उतरना, मेरे को जाना है बाइबल कॉलेज। ये बोल रही है मैं भी जाऊँगी, मुझे बाइबल कॉलेज जाना है भाई, मेरे को एडमिशन करना है बेटा। कहाँ जान दे छू, कहीं नहीं जान दे छू। चल उतर, रुक थोड़ा उतर, मैं पहले स्कूटी निकालूंगा। उतर उतर उतरना उतरना उतरना, स्कूटी निकालूंगा, वेट। तो सर से बात हो चुका है और 1,000-2,000 रुपये करके मैं एडमिशन फीस दूंगा। तो मैं मुझे विश्वास है प्रभु ज़रूर पूरा करेगा। वैसे इस बार ऐसा है ना कि मैं इस बार बहुत कंफ्यूज हो गया, आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ बातें। कहाँ चढ़ रही है, मत चढ़ना, मैं बाइबल कॉलेज जा रहा हूँ, तेरे को लेके जाके क्या करूँगा मैं, क्या जान दे छू। देखो इसको देखो, बैठ गई स्कूटी में, पहले खड़ी हो गई। खैर, तो एक बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। इस बार हुआ यूँ, मैं बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ गया। दुविधा क्या है कि दुविधा ऐसी कि मुझे ऐसा हुआ कि अभी इस बार जो मेरा यूट्यूब से थोड़ा बहुत इनकम आया है, एकदम राइट टाइम में आया है, मतलब एक महीना गैप होके मेरा आया है। मतलब हर महीना नहीं आता है मेरा सैलरी यूट्यूब से, जब $100 होता है तभी आता है, और कभी कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं $100 होने में। तो ऐसे ही करके, मत कर मानसी वैसा बैड हैबिट, तो ऐसे ही बच्चे लोगों का इतना खर्चा है, बाइक जो है घर पे मेरा उसका लोन है, 4,000 लोन है, और वाशिंग मशीन लिया हूँ मैं वाशिंग मशीन इसीलिए लिया क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, घर में कोई भी नहीं है। मैंने एक दिन मैंने इतना कपड़ा धोया, मुझे सर्दी जुखाम इतना लग गया, मैं इतना बदन दर्द, मैं उठ ही नहीं पाया। मैंने सोचा नहीं ऐसे नहीं होगा, बाप रे जब मेरी ये हालत है तो गंगा मेरी पत्नी जो अभी बच्चा डिलीवरी हुआ है तो उसका क्या हालत होगा, वो तो और भी बड़ी बीमार हो सकती है ना। तो हमें खाली अपने लिए नहीं सोचना है, वो मेरी वाइफ ही है, मेरा शरीर पार्ट ऑफ माय बॉडी है, तो उसके लिए भी सोचना है। तो बोल के मैंने 15,000 डाउन पेमेंट करके मैंने वो ले लिया वॉशिंग मशीन, LG का लिया है, अभी बाद में दिखाऊंगा आपको, अभी फिलहाल जा रहा हूँ। अभी मैं ऐसी दुविधा में पड़ गया, अभी वो जो EMI में लिया है मेरा, दो ई एम आई मतलब लोन चल रहा है, किस्ती बोलते हैं ना, एक बाइक का चल रहा है 3,700 रुपया, और अभी ये किस्ती जो लिया है वॉशिंग मशीन का उसका महीना का 1,800 रुपये, अभी अगस्त से स्टार्ट होगा। तो अभी भी सर्दी लगा है मुझे। तो मैं ऐसी दुविधा में पड़ा कि मैं करूँ क्या, अभी मैं 10 मार्क्स अगर दूंगा तो मैंने अभी तक भी जितना भी इनकम किया मैंने एक बार भी 10 मार्क्स जो बोलते हैं 10 अंक्स या 10 मार्क्स टाइट, मैंने अभी तक भी मिस नहीं किया है टाइट। मतलब हर जितना भी हुआ है मेरा मैं हमेशा 10 मार्क्स देता हूँ। तो इस बार ऐसी दुविधा में पड़ा क्या करूँ, अगर मैं टाइट दूंगा तो इधर फिर मेरा बाइबल कॉलेज का एडमिशन करने के लिए पैसा नहीं रहेगा मेरे पास एडमिशन के लिए। तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत दुविधा में मैंने प्रार्थना भी किया, बहुत प्रार्थना किया। तो प्रार्थना करते करते ऐसा भी विचार आया कि नहीं मैं इस बार टाइट नहीं देता हूँ, उस पैसे को मैं बाइबल कॉलेज का एडमिशन में इस्तेमाल करता हूँ। घूम फिर के तो वो प्रभु का काम में ही जाएगा ना पैसा, उसी चर्च में, मतलब जिस चर्च में मैं जा रहा हूँ उसी चर्च में जाएगा। फिर सोचा लेकिन नहीं यार नहीं ऐसा, फिर बाद में अभी मेरे मन में आया कि नहीं ऐसा नहीं, जो भी हो दुख सुख जो भी हो मैं प्रभु का 10 मार्क्स दूंगा ही दूंगा, चाहे जो भी हो।
अब मैंने सर से बात तो कर लिया है। सर को मैंने बोला है कि मैं 1,000 रुपये 2,000 रुपये करके अपना बाइबल कॉलेज का एडमिशन फीस भर दूंगा। वो धीरे धीरे पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसमें, लेकिन जो भी हो, खैर प्रभु का टाइथ नहीं काटूंगा, नहीं चुराऊंगा, क्योंकि वो प्रभु का दिया हुआ है ना, तो हमें नहीं चुराना चाहिए। खैर, तो ये विचार आया मेरे मन में। तो खैर मानसी, अभी तू उतर, मैं जा रहा हूँ बाइबल कॉलेज, ठीक है? आई एम गोइंग बाइबल कॉलेज, तू इधर ही रह, तू हिलना नहीं, मैं गेट खोल रहा हूँ। सर्दी जुकाम भी लगा हुआ है, फिर से चढ़ गई। उतर उतर उतर, गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन। गंगा इसको लेके जाओ, जा जा मम जा मम्मी के पास जा 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 ना बेटा, जा ना। मैं उधर जा रहा हूँ मिल्क लेने, मिल्क अगर नहीं है तो मिल्क भी लेके आ जाऊँगा। मिल्क है? ठीक है, आजा आजा आजा। ओ, 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 मैं वो लेके आऊंगा, क्या जली जली लॉलीपॉप लेके आऊंगा, लॉलीपॉप, हाँ पर्पल वाला, पर्पल ब्लूबेरी, ब्लूबेरी फ्लेवर, ठीक है ब्लूबेरी फ्लेवर लेके आऊंगा। तू रुक ना, पकड़ ना इसको, गिरेगी गिरेगी, जाना बेटा, मेरे को लेट हो रहा है, जा मैं आऊंगा, बंद कर दे ये बाहर का गेट भी, बंद कर देना। हाँ मैं पर्पल कलर का वो लेके आऊंगा, क्या बोलते हैं लॉलीपॉप, ब्लूबेरी फ्लेवर। हाँ अरे लेके जाना, अरे यार लेट हो रहा है, मुझे प्रिंट आउट करना है फॉर्म, उसके बाद फॉर्म भरना है, फिर जा बेटा, जाना जाना, इसको लेके जाना बेटा, इसको जल्दी जा बेटा जा, अरे गिर जाएगी, देखो ये कैसे घुस रही है स्कूटी में, ले बोकर ले जाओ, जाओ जाओ जाओ, दूसरा फैशन लगा के आओ, दूसरा कपड़ा लगा के आओ, ये हाफ पैंट लगा के नहीं होगा, जा 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 जाना जा, मैं लॉलीपॉप लेके आऊंगा, हाँ जा जा आजा आजा, मैं ना लॉलीपॉप लेके आऊंगा, हाँ अच्छा वाला, ब्लू ब्लूबेरी फ्लेवर लेके आऊंगा, ब्लूबेरी फ्लेवर, ओके इधर शूज खोलो, ये बंद कर दे ले, अरे यार लेट हो रहा है मेरे को, मैं आऊंगा आऊंगा, लॉलीपॉप लेके आऊंगा, लॉलीपॉप मैं आऊंगा, लॉलीपॉप लेके आऊंगा, लॉलीपॉप, ठीक है जा 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 जाना जा जाना जाना, ये इसलिए रो रही है क्योंकि मैं हमेशा इसको स्कूटी में लेके जाता हूँ, वो यहाँ पर खड़ी होती है स्कूटी में, तो इसलिए रो रही है, मैं फटाफट निकलता हूँ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ बाइबल कॉलेज, और यहाँ पर मैंने फॉर्म प्रिंट आउट करके भर भी दिया है, एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है देखिए, गुड न्यूज़ बैप्टिस्ट सेमिनारी, अभी ये फॉर्म जाके जमा करूँगा और सर को बोलूँगा कि सर, जैसे कि मैंने बात किया था, 5,000 तो नहीं दे पाया, लेकिन 1,000 रुपये करके हर महीना मैं आपको एडमिशन फीस दे दूंगा करके मैं सर को दे दूंगा। चलता हूँ। कुशल और लक्षित भाषाओं में मूल वक्ता है, अपने अपने भाषा में वो लोग भाषा को अच्छा से जानते हैं, तब जाके वो अच्छा से अनुवाद कर पाते। और हमारे अध्यायों में दुनिया भर के 100 करोड़ सम्मानित सेमिनारी प्रोफेसर और सेवकों का गहन विचार शामिल। केवल मेरा आइडिया ये नहीं है, ये जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोगों जो मेरे फ्रेंड हैं US में, उनका भी मैं सलाह लिया हूँ, ब्राज़ील में जो हमारे साथ लोग हैं, हमारे चर्च हैं, उनका भी सलाह लिया हूँ, इंडिया में भी बहुत सारे जहाँ मैं पढ़ा हूँ, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो,
उन कुछ कुछ जिसका बाइबल सेमिनार है, बाइबल स्कूल है, उन लोगों का भी सलाह लेके ये चीज को हम लोग डिजाइन किया है, ठीक है, आप लोगों को सिखाने के। लेकिन काम है खाली थोड़ा हार्ड काम है, हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को बता, ठीक है। ओके आशीष रोहित, ओके सर, बाय बाय, बाय बाय सर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। तो अभी अभी जो हम लोग ने बाइबल BTS हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद में आज BTCP हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद में आज हमने फिर से एडमिशन ले लिया। जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनमें से खाली 1-2-3 स्टूडेंट्स ही रहे, मतलब कंटिन्यू करने वाले BTCP से BTH बैचलर्स ऑफ थियोलॉजी करने वाले खाली 3 स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट में से, बाकियों ने छोड़ दिया। लेकिन अभी अभी रोहित भाई को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आप प्रभु का काम में और शिक्षा में और आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ना अभी बढ़ना। धन्यवाद। मैं पूरा फीस नहीं दे पाया, खाली मैंने सर सर से बात किया कि सर मैं 1000-1000 रुपये करके दूंगा, क्योंकि 5000 तो दे पाना मुश्किल है। आपने दिया पूरा? अभी तो शुरू भी नहीं किया है, अब नेक्स्ट देना पड़ेगा। चलो ठीक, तो अभी मैं मानसी के लिए ब्लूबेरी फ्लेवर लॉलीपॉप लेने के लिए पूरा ढूंढा, पूरा घूमा, इधर उधर कहीं नहीं मिला। लास्ट में जाके ये वाला जो दुकान है, इस दुकान में जाके मुझे मिला ब्लूबेरी फ्लेवर वाला लॉलीपॉप, उसको वो बहुत पसंद है मानसी को, तो मैंने 4 ले लिया। एक का प्राइस है 5 रुपये। ये कौन सा कंपनी है? डर्बी कोई कंपनी है, शायद लोकल कंपनी है डर्बी। तो डर्बी कंपनी का 4 ले लिया, 5 रुपये का एक अभी, और ले लिया लिटिल हार्ट्स, ये भी 5 रुपये का, ये 4 लिया अभी। अभी ऐसा है ना कि जब आप पेरेंट्स बनते हो, माँ बाप बनते हो, तो ये मत सोचना कि मैं घर खाली हाथ चले जाऊँगा। खाली हाथ जाना इतना आसान नहीं है, घर बच्चे परेशान कर देंगे। और मानसी ने ये भी बोला था, फ़ोन किया था, एक्चुअली गंगा ने फ़ोन किया था कहाँ पर हो बोल के, तो मानसी बोल रही थी पापा मैं केला भी लेके आना, तो अभी केला लेने के लिए इस दुकान में हूँ। तो भैया कैसे दिए ये केला? ये 60 और ये 30 वाला, एक ठो तो ज़्यादा देंगे ना भाई बोल के। हाँ ज़्यादा है, ज़्यादा ना, धन्यवाद धन्यवाद। तो भैया ने मुझे 2 कितना ज़्यादा दिया, एक पीस खाली, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 रुपये में टोटल 13 केला मिला मेरे को, छोटा वाला। ये जो ये हम लोग का इधर बहुत बहुत होता है, ये बहुत छोटा होता है, कच्चा तो नहीं है ना, ये कच्चा तो नहीं है ना, ये कल खाने वाला, ये कल वो आज खाने वाला, ये मतलब खाने लायक तो हो जाएगा ना कल सुबह तक। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो खैर, अभी घर जाता हूँ फटाफट, मानसी को देना है ये सब। आप लोगों को मानसी का रिएक्शन ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, तो अभी मैं अपना घर पहुँच गया हूँ, काफ़ी रात हो चुका है, रात तो नहीं रात ही हो चुका है, स्टार्टिंग हो चुका है रात का। देखिए आज पता नहीं ये फुल मून है, फुल मून नहीं, पूरा फुल मून तो नहीं है, लेकिन चलो मून है। छोड़ो, खैर मैं आ चुका हूँ, तो अभी मानसी का रिएक्शन देखना। गंगा, मानसी मैं लॉलीपॉप लाया, केला लाया, केला वाला, कोई खोलता ही नहीं यार। आ रहे आ रहे आ रहे, आवाज़ आ रहा है पैरों का। हाँ आ जाओ आ जाओ मानसी, ऑटो ऑटो मूव मूव, पहले मूव, मैं इस देखो भाग गई, पहले स्कूटी रखूँगा, इधर आओ इधर आओ। मैं क्या लाया पापा, क्या लाए, इधर आओ, ई आजा, कोस को मून नहीं, वो मून देख रही है, आजा अंदर आजा, कम इनसाइड। ये पापा आ, ये पापा आ, आजा अंदर आ। मानसी कैसे किया, मानसी कैसे किया, मानसी बोल रही है कि मैं रोते रोते बोली मैं पापा कहाँ पर है, पापा कहाँ पर है बोली मैं, ऐसा बोला रुदे रुदे बनियो। रुको रुको, देखो
मानसी क्राइंग ना, मानसी क्राई किया ना, आ गया बटर बटर नहीं, ये देखो ये लॉलीपॉप ये ब्लूबेरी लॉलीपॉप एंड लिटिल हार्ट ये हाउस हाउस चलो बोल रही है मेरे को भी, स्कूटी रखूंगा ना, देख ऐसे रखा हुआ है, जाओ तुम अंदर जाओ, थैंक यू नहीं बोला मानसी, इधर आके बोलो, इधर आके, मैंने क्या सिखाया था, कम कम हियर, कम हियर, कैसे थैंक यू बोलना है, ऐसे ऐसे थैंक यू, ऐसे ऐसे यहाँ देखना मेरा मेरा चेहरा देख देख ऐसे थैंक यू ऐसे बोलो, बॉ डाउन करके, गुड गर्ल, जाओ गो इन साइड, हाँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, हाउस आओ हाउस आओ, हाउस बोल रही है, मैं आऊँगा पहले स्कूटी रखूँगा, ओके यू गो इन साइड, ये बैग बैग इधर रहता हूँ, मैं अभी अभी लेके चले जाऊँगा, स्कूटी रखता हूँ। तो खैर मेरे प्रियो, काफ़ी थका देने वाला दिन था, वीडियो में देख के आपको लग रहा होगा दो दो तीन मिनट दस मिनट, लेकिन बहुत थका देने वाला दिन था, मानसी बहुत खुश है, ये देखो मानसी इज वेरी हैप्पी, मानसी डांस जंप, ये 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 पापा क्या लेके आए, अरे ये ये मानसी क्राई किया, मानसी क्राई किया, मानसी कैसे कैसे क्राई किया, मानसी हाउ डिड यू क्राइड, मानसी हाउ डिड यू क्राइड, कैसे रोया, कसरी रोयो तिमी, कसरी रोयो, कसरी रोयो, जाओ गो इनसाइड। तो खैर मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही, हाँ मैंने आप लोगों से बोला था ना, जो इंस्टॉलमेंट में वॉशिंग मशीन लिया है वो मत कर बेटा, तेरे काम का कोई चीज़ नहीं है इधर, मेरा सर्टिफिकेट ये सब क्या क्या है, आधार कार्ड वगैरह, ये प्लास्टिक मम्मी को दे दे, कुछ भी नहीं है इसमें, इसी में लेके आया था ये सब। तो अभी आप लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ वॉशिंग मशीन जो मैं इंस्टॉलमेंट में लिया था, ये वाला, ये है एल जी का वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड बोलते हैं इसे, फ्रंट लोड, और अभी ये फिलहाल ऑन नहीं है, ऐसे रखा हुआ है। तो यही है कि मैं बहुत टेंशन में था कि बाइबल कॉलेज का फीस कैसे दूंगा, 5,000 रुपये फीस, ऊपर से मेरा बाइक है, ये तो ये अभी जो मैं स्कूटी चला रहा हूँ ये मेरे पापा का स्कूटी है, और ये हमारा छोटू मास्टर को दिखाओ एक बार, ये देखो मेरा बेटा मेरे जैसा टकला है, ये देखो देखे आ करके सोया है, मच्छर नहीं घुस जाएगा इसके मुँह में, देखो मस्त सोया है, और गंगा जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह, ठीक है जाओ तुम अंदर। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की, प्रभु पे विश्वास कीजिए, सब कुछ पूरा करेगा।